हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माया प्रोजेक्ट एसडी पर। जैसा कि हम इस सीरीज में देख रहे हैं जीके ट्यूटोरियल, और ये हमारा जीके ट्यूटोरियल पार्ट 14 है, जिसमें हम देखेंगे सिलेक्टर्स इन जेक्वेरी। तो सिलेक्टर्स क्या होते हैं? कि सिलेक्टर्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, हमारे वेब पेज के किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम सिलेक्टर कहते हैं। जैसे कि हम यूज करते हैं आईडी, आईडी हम किसी भी, जैसे कि हमारा कोई डीव है उसके हम कोई आईडी असाइन करते हैं, और उसका उस आईडी का यूज करके हम जेक्वेरी के द्वारा उस आईडी वाले डीव पर कोई इफेक्ट अप्लाई करने के लिए हम आईडी का यूज करते हैं। देन जो उसके बाद सेकेंड हमारा सिलेक्टर होता है वो होता है क्लास। हम किसी भी डीव को क्लास असाइन करके उस क्लास नाम के थ्रू भी हम उस पर कोई इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देन जो हमारा थर्ड है वो है टैग नेम। हम किसी पर्टिकुलर टैग का नाम लिखकर भी उस पर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारा डीव, हम अगर जेक्वेरी में लिखते हैं डीव डॉट एड क्लास, तो जो हमने एड क्लास मेथड के पैरामीटर पास किया जिस क्लास का नाम, वो क्लास हमारे वेब पेज के सभी ड्यू पर अप्लाई हो जाएगी। तो ये है हमारे सिलेक्टर्स। तो हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। हम आते हैं हमारे वेब पेज पर। यहाँ मैंने बेसिक एचटीएमएल लेआउट बना रखा है, प्लस एक क्लास बना रखी है वन, एक बटन बना रखा है, और यहाँ पर सिंटेक्स लिख रखा है जेक्वेरी का। तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ड्यू बना लेता हूँ, देन इसके बाद मैं एक एलआई टैग बना लेता हूँ, और उसके बाद एक और ड्यू बना लेता हूँ, तो हमें समझने में आसान रहेगी। सबसे पहले हम इस पर आईडी असाइन कर देते हैं, आईडी ए। तो हम इस पर लिखते हैं कि जो हैज बीटीएन है उस पर जब क्लिक हो पर क्लिक हो तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा कि जो हमारा जिस हम हमारे जिस डीव की आईडी ए है उस पर एड क्लास करो वन, देन सेमीकोलन। तो हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो हमारे वेब पेज में यह रिफ्रेश करते हैं, जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारा जो पहला ड्यू है उस पर हमारी क्लास अप्लाई हो चुकी है। मैं इसमें लिख देता हूँ कि ये हमारा ड्यू वन है, ये लिख देता हूँ मैं ड्यू वन, देन इसमें भी लिख देता हूँ ड्यू टू। रिफ्रेश किया, जब मैंने क्लिक किया ड्यू वन पर अप्लाई होती है, ड्यू वन पर नहीं हुई है। तो इस तरह से अगर हमें किसी एक ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट अप्लाई करना है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की आईडी या क्लास असाइन करके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। लेकिन अगर हमें हमारे वेब पेज के सभी ड्यू, जैसे कि हमारे पास एक ही ड्यू है और एक ही ड्यू है, इन दोनों पर ही इफेक्ट एक साथ अप्लाई कराना हो एक ही क्लिक पर, तो हम इसके लिए इस जगह पर इस क्लास का नाम न लिखते हुए हम यहाँ लिख देंगे डीव। तो इसके अंदर जितने भी डीव है उन पर ये अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए, इस पर भी अप्लाई हो गई और इस पर भी अप्लाई हो गई, लेकिन हमारे एलआई पर नहीं हुई क्योंकि एलआई एक अलग टैग है। अगर हमें एलआई पर अप्लाई करनी है तो हम यहाँ लिखेंगे एलआई, देन सेव करेंगे और रिफ्रेश करते हैं। जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो केवल LI पर क्लास अप्लाई हुई, D1 और D2 पर नहीं हुई। तो ये थे हमारे सिलेक्टर जिनका यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो हम नए वीडियो अपलोड करें उसकी रिसेंट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।